सनी देओल की फिल्म गदर 1 के सिक्वल गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। इस फिल्म के सिक्वल ने 90s के कई निर्देशकों को अपनी फिल्मों के सिक्वल को बनाने की हिम्मत दे दी है। इसी बीच बॉलीवुड के वर्सटाइल निर्देशक सुभाष घई ने भी अपनी एक फिल्म के सिक्वल को लेकर संकेत दिए हैं। सुभाष ने अपनी एक 90s की हिट फिल्म के सिक्वल को लेकर संकेत दिए हैं। सुभाष ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी हिट फिल्म खलनायक के सिक्वल के संकेत देते हुए कहा कि हमारे पास कर्मा, रामलखन, सौदागर जैसी बेहतरीन फिल्में हैं। ये फिल्में आज भी प्रासंगिक हैं। अब खलनायक में अगर बल्लू बलराम स्क्रीन पर आए तो कैसा रहेगा? तो फिर किसी निर्माता को कहानी को रिवाइव करने और आगे बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? तो निश्चित रूप से खलनायक और अन्य फिल्मों की चर्चा हो रही है। हमारे पास अन्य स्टूडियो से भी ऑफर है, लेकिन इन स्टूडियो की मानसिकता बहुत व्यवसायिक है, जिसमें हम सोचते हैं कि जो हमारे पास पहले से है उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। सुभाष, जिन्होंने 2014 के बाद से कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की है, उन्होंने डायरेक्शन में वापसी करने के भी संकेत दिए हैं। सुभाष ने कहा है कि आप जल्द ही उन फिल्मों के बारे में सुनेंगे जो हमारी पाइपलाइन में हैं। दरअसल आप जल्द ही सुनेंगे कि सुभाष घई भी निर्देशन में वापसी कर रहे हैं। आपको यह 6 महीने के भीतर पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि सुभाष पहले खलनायक का सिक्वल बनाएंगे या फिर अपनी दूसरी हिट फिल्मों के सिक्वल पर काम करेंगे। हालांकि अगर सुभाष खलनायक का सिक्वल बनाते हैं तो यह बात फैंस के लिए काफी अच्छी होगी, क्योंकि फैंस भी कई दिनों से संजय दत्त को हीरो के तौर पर वापसी करते हुए देखना चाह रहे हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब रहे हैं।